नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आजकल के जो हमारी लाइफ स्टाइल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना। काम इतना बढ़ गया है कि खुद की तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं होता। रिश्ते नाते भी अब निभाने के लिए समय नहीं है ना। बहुत जबरदस्त समय आया है, जबरदस्त कंपटीशन। इंसान एक ऐसी दौड़ में फंस गया है, अगर रुकता है तो भी तकलीफ है और दौड़ता रहता है तो खुद का ही शरीर का लॉस कर लेता है। दिमाग भी थक जाता है, शरीर भी बेडोल हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा दोस्तों, 25 साल की उम्र में भी वो ऐसे दिखते हैं जैसे 40 साल के हैं। तो जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तब आश्चर्य होता है कि अरे, कभी देखा नहीं तुमने, अपनी शक्ल नहीं देखी, बस काम ही करते रहे, कभी खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो होता है, एक तो सबसे पहले इसके लिए क्या है कि जो हमारा खाना पीना है, पहले जो चीज़ें हम खाते थे, जो फ्रूट्स भी हम ले रहे थे, जो भोजन हम करते थे, सब शुद्ध था। जो चीज़ हम जिस उद्देश्य से ले रहे थे, वो चीज़ बॉडी के अंदर जा कर के वैसे ही एक्टिवेट होती थी। दूध बिल्कुल प्योर आता था, घी शुद्ध आता था, साग सब्जियां शुद्ध पानी में उगाई हुई होती थी। आज हर जगह मिलावट काम है। ज्यादा उत्पादन लेने के लिए आप देखो कैसी कैसी चीजें, इंजेक्शन, आप देखो दूध ही है, लौकी में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, गलके हैं, इंजेक्शन लगते हैं, फलों में इंजेक्शन लगते हैं। अभी बीच में मैंने देखा था एप्पल, खूब अच्छा सा बड़ा सा एप्पल, बहुत इसे चमक आ रही थी, ग्लो आ रहा था एप्पल में, ग्लो। तो थोड़ा डाउट हुआ, ऐसा ग्लो कैसे है? उसको हल्के हल्के से ऐसे ऐसे घिसा तो उसके ऊपर मीण लगी हुई थी, जो मोमबत्ती की होती है मोम, उसको उस पर घिस करके उसको चमकाया गया था। अब हम जल्दी में उसको ऐसे ऐसे काट करके खा लिया और सारी मोम पेट के अंदर। और ऐसी एक चीज नहीं है, तमाम चीजों में मिलावट है। जमाना बहुत बदल चुका है, आप देखो लोगों में मिलावट है। ऋतु जैसे पहले होती थी, सीजन, ये ठंडी है, ये गर्मी है, ये बारिश है, इसमें ये चीज मिलती है, अब तो गर्मी की चीजें ठंडियों में मिलती है, ठंडी में उगने वाली चीजें आपको गर्मी में मिलेगी, बारिश में मिलेगी। मतलब किसी चीज का फिक्स नहीं है। ये इंसान कल ऐसी बात कर रहा था, आज अचानक ऐसे बोलने लग गया और उसको कोई शर्म भी नहीं है। आप देखना, झूठे दगाखोर मक्कार लोग जितने हैं, इनको भी आप देखोगे, इनके अंदर भी कुछ भी फिक्स नहीं है। ऐसे हमारी पर्सनालिटी भी होती जा रही है। उम्र बहुत कम होने के बावजूद बहुत ज्यादा उम्र दिखाई देने लग गई है। कुछ लोग बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तरह तरह की क्रीमें यूज करते हैं, पर ये चीजें आपको उस समय अच्छा ग्लो दे देती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही आपने इसका यूज करना बंद किया, आपका चेहरा बहुत ही भद्दा दिखने लग जाता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक लड़की को देखा, मैंने 6-7 महीने पहले, शायद 6 महीने पहले लड़की आई थी मेरे पास, उसका फेस देख करके मेरी समझ में आ गया था कि ये कैप्सूल्स है, इसका यूज कर रही है, कॉस्मेटिक्स का यूज कर रही है, क्योंकि उसका फेस अननेचुरल था। लेकिन उसने झूठ बोला था। अभी 2 दिन पहले ही मैं उस लड़की से मिली, उसका पूरा गाल, तरह तरह के पिंपल्स, दिस और दैट, इतना भद्दा चेहरा। तो इन चीजों का ज्यादा हम यूज करते हैं, उससे अच्छा है कि हम नेचुरल चीजों का यूज करें, जैसे कच्चा दूध है, हल्दी है, एलोवेरा है, बेसन है। ये तमाम चीजें हमारे चेहरे को अच्छा लुक दे देती है। अलग अलग तरीके से हम इनका यूज करते हैं। आज जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ एलोवेरा की। एलोवेरा दोस्तों बहुत ही बहुत बढ़िया चीज है और बहुत जल्दी लग जाता है। छोटा सा एलोवेरा लेकर आप मिट्टी में डाल देंगे, जबरदस्त हो जाता है। आपने शायद पिया भी होगा, देखा होगा, लोग एलोवेरा का जूस लेते हैं। एलोवेरा का जूस भी दोस्तों बहुत बढ़िया रहता है, घुटने वगैरह की जो तकलीफ है एकदम दूर कर देता है। कोई भी बोन्स की तकलीफ है, जॉइंट्स की, उसे बहुत जल्दी दूर करता है। आप एक काम, यदि आपको लगता है चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं या चेहरा डल हो रहा है, चेहरे में ग्लो नहीं है, रौनक नहीं है, आप एलोवेरा या तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं,
फिल्टर किया हुआ एलोवेरा रहता है डिब्बी में भरा होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप एलोवेरा का पौधा लगा लें, उसमें से आप लगभग 2 इंच जितना टुकड़ा काट लें, किनारी उसके काटें और उसके अंदर का पल्प उसके कटोरी में निकाल लें, उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी जितनी या 1.5 चुटकी हल्दी की करें और डालें और उसको अच्छे से मिक्स करें और फेस पर उसको हल्के हल्के हाथ से लगभग 10 मिनट आप मसाज करें। 3 दिन रेगुलर आप इस काम को करें, आप देखेंगे चेहरे में गोरापन आएगा, चेहरा गोरा होने लग जाएगा, चेहरे में चमक आने लग जाएगी, चेहरे में ज्यादा दाने पड़ गए हैं, फुंसियां निकल गई हैं या कालापन ज्यादा है। आप इसी में आप एलोवेरा का पल्प ले, जैसे मैंने बताया 2 इंच जितना या 2.5 इंच जितना ले ले, उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला ले और इसको भी आप 10 मिनट चेहरे पर घिसे और फिर उसको रहने दे थोड़ी देर, उसके बाद में ठंडे पानी से चेहरा धो ले। चेहरा धोने के बाद आप कच्चे दूध से अपने चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे ऐसे दूध को लगाए थोड़ी देर दूध की मसाज करें, चेहरा बिल्कुल गोरा निकलेगा, स्किन टाइट होने लग जाती है। एलोवेरा को आप ऐसे भी सामान्य ढंग से भी एलोवेरा पल्प को यदि आप चेहरे पर मसाज करेंगे तो चेहरे से जो चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं वो चली जाती हैं, स्किन टाइट होने लग जाती है। कंटिन्यू आप 3 दिन लगाएं और आप उसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया आता है। चेहरे में यदि आपको एक्स्ट्रा ग्लो दिखाई चाहिए कि मेरा चेहरा एकदम चमके जैसे 20-22 साल के लोगों का चेहरा चमकता है, तो आप इसी तरीके से 2 इंच का टुकड़ा काटें एलोवेरा का, उसका पल्प ले लें, उसके अंदर आप 1/2 चम्मच या उससे भी थोड़ा कम शहद डालें और उसको अच्छे से अपनी उंगली से मिक्स करें और फेस पर उसकी मसाज करें। मसाज करके उसको पानी से धो लें, मसाज भी आपको 10 मिनट तो करनी ही होगी, उसके बाद आप उसको धो लें, चेहरा कांच जैसा चमकने लग जाता है। लेकिन आपको कुछ दिन तो करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 3 दिन ये मसाज लेनी होगी, भले दिन में 1 बार करें लेकिन 10 मिनट के लिए आप इस चीज का मसाज शुरू करें, अफलातून रिजल्ट आता है। आप एलोवेरा जेल को बालों में भी यदि लगाते हैं ना, आप देखेंगे बाल आपके बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे और बाल जो आपके झड़ते हैं, बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एलोवेरा जेल यदि आपने बालों पर अप्लाई किया है, आप खुले बाल रख करके कहीं भी निकल जाए, कितनी भी हवा चल रही हो, कुछ भी हो, बाल एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। आप देखना कई बार ऐसा होता है आपने बालों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया लेकिन जैसे ही आप हवा में निकले धूप में निकले वापस आए तो आप कंघी करेंगे, कंघी आपकी बालों में फंसती है ना, बाल इस तरीके से एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, ये समस्या चली जाएगी। दूसरा ये समस्या तो जाएगी ही, बालों में शाइनिंग आने लग जाती है, बाल बिल्कुल नरम हो जाते हैं इससे और बालों का झरना रुक जाता है। एलोवेरा जेल को लगा करके आराम से निकले, इसे आप पूरा दिन लगा करके रख सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, जरूर करें इस उपाय को। आपकी एज दिखना बंद हो जाएगी, आप 50 साल के होंगे तो भी आप 25-26 के दिखने लगेंगे, इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन इसका यूज आप एवरी डे करें, फर्क तुरंत दिखेगा, करके देखें। कोई इसी बात में जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।